अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो गाइस, सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं बिल्कुल एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हमने आपका एक चैलेंज पूरा किया, जिसमें आप लोगों ने बोला था भाई साहब कि 1v4 ट्राई करो रैंडम के साथ। हमने 1v4 ट्राई किया, हमने एक रूम क्रिएट किया जिसमें हमने लोगों को रिक्वेस्ट भेजी कि आज रैंडम खेलते हैं। 1v4 खेलना था। अब मैं तो ये दिल था कि यार 1v4 मैं इनके साथ M4 के साथ खेलूँ, लेकिन उनका दिल पता नहीं क्या था, कोई भाई AR के साथ खेल रहा है, कोई M4 के साथ खेल रहा है, कोई मशीन गन, कोई ग्रोज़ा, कोई कुछ, कोई भाई पता ही नहीं दूर दूर तक। ये देख सकते हैं भाई, ये कोई M4 के साथ खेल रहा है, कोई ग्रोज़ा, कोई बैरल, कोई मशीन गन। भाई इधर बहुत टफ मुकाबला था, लेकिन मैं खेलता रहा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खेल रहा चिकन मैंने सही बन गई वीडियो तो ठीक है, ना बनी तो फिर बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं भाई साहब, हम तो अपनी तरफ से मेहनत करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने बताना भाई ये वीडियो कैसी बनी है। अब इसमें आपने पूरी वीडियो देखनी है कि भाई आपको अगर लगता है कि स्क्रिप्टेड है तो मैं दोबारा खेलूंगा किसी दिन, लेकिन भाई मैंने अपनी तरफ से फुल जो ओरिजिनल कंटेंट है ना वो बनाया है। मैंने रैंडम के साथ खेला, उनके साथ मैंने कोई टीम अपनी किया, जैसे वो खेल रहे हैं उनको खेलने दो, उनकी मर्जी आपके तहत। और ये भाई मरे आगे आगे भाग रहा है, मुझे यही लगता था कि इसके शायद हेडफोन नहीं पहना हुआ था या क्या था, इसको पता नहीं था मैं किधर हूँ। बाकी सारे अच्छे प्लेयर थे, सारे तो खैर अच्छे प्लेयर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सही थे। तो अभी देखना आगे जो भी होता है, हम इसके बैकग्राउंड पे हल्का सा म्यूज़िक चला देंगे। तो वीडियो एंजॉय करें, पूरी देखें, और वीडियोस के लिए कमेंट, लाइक एंड शेयर करें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई लाइक कर दिया करें, इतनी मेहनत बंदा करता है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के चैलेंज और इस तरह के न्यू चैलेंज भी देता रहा करिए, क्योंकि भाई आप चैलेंज देंगे हम पूरा करेंगे फिर ही कोई मज़ा आएगा। वैसे हम गेम खेलते रहते हैं सारा दिन, स्ट्रीमिंग करते रहते हैं, वैसे हमने गेम की वीडियो बनाना ही वैसे छोड़ दी। तो बाकी इंशाल्लाह हम ऐसे ही अपनी तरफ से शुगल मेरा लगाई रखेंगे, और हमें आपकी सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो गाइस आगे वीडियो पूरी देखेंगे और इन्जॉय कीजिएगा। ये कैसे देख सकते हैं कितनी अभी 10 से 15 की लीड के साथ मैं इनसे आगे हूँ, और वो चार बंदे हैं और मशीन गन यूज़ कर रहे हैं। भाई जो कुछ उनका दिल कर रहा है वो यूज़ कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने भाई साहब, पूरी वीडियो देखना, अगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस ब्रो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है और पजामा कच्चे के लिए होता है गाइस। बल्कि क्या यार वो करना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, गपशप करते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कमेंट्स में, कुछ और किसी ने कुछ कहना है, कोई चैलेंज देना है, किसी भी तरह का चैलेंज, जैसे लोग चैलेंज देते हैं कि सारी शॉटें लेट के मारनी है, चिमटे के साथ मारने हैं, या कुछ भी शॉट्स चैलेंज देने का कोई भी तरीका हो सकता है, कि M4 खेलनी है, AR खेलनी है, AR वर्सेस M4 खेलनी है, बहुत सारे चैलेंज होते हैं भाई आपके पास, तो हर तरह के चैलेंज होते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से चैलेंज पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो जब चैलेंज पूरा हो गया तो अपलोड कर देंगे, और बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे साथ बहुत बैड सीन हो रहा है, 11 और 10 का मुकाबला हो गया। अब यहाँ पे इसको शॉट लगी, यहाँ पे इसको भी शॉट लगी, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रीक हो गई थी, आई थिंक 105 की स्ट्रीक हो गई थी, जिसमें मैंने थोड़े वक्फे से बंदे मारे हैं, लेकिन काफ़ी सारे मार लें। और यहाँ पे भाई मुझे तो लग रहा था कि शायद मेरी गोलियाँ शायद प्लास्टिक की हैं, मार ही नहीं रहा। और ये मेरे ख्याल में भाई शायद नए नए गेम खेलना स्टार्ट की हुई थी, लेकिन हम तो भाई कॉन्टेंट बना रहे थे, हमने तो रैंडम में रिक्वेस्ट भेजी थी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रीक हो गई है 5-6। तो भाई इसी खुशी में लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाले ऑप्शन आ रहे हैं, आपने अगर शेयर अभी तक नहीं किया तो शेयर भी कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूरी है। बाकी कमेंट में अगर आपने कोई चैलेंज वगैरह देना है या कोई तारीफ वगैरह करनी है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सब लोग भाई बताएंगे ये जो क्लच लगा है ना यहाँ पे 1v3 वाला वो कैसा लगा। बाकी ये वाला जो बंदा है ना ये बार बार मेरे सामने आ जाता है, और ये इसी की बारी मेरी गन रिलोडिंग पर लग जाती है, और ये गरीब नहीं मरता मेरे से, बाकी सारे मर जाते हैं लेकिन ये गरीब मेरे से मरता ही नहीं है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता ये पहले 4 थे, फिर 3 हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के भाग रहे हैं कि भाई हमारे पास की बात नहीं है। तो फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, आखिर तक फिर 2 बंदे खेलते रहे, फिर उनके साथ मैं खेलता रहूँ। और अभी हमारे पास लीड एक लीड है, इतनी ज़्यादा लीड में किसी भी टाइम कवर हो सकती है। तो बाकी यार ये वीडियो बहुत लंबी है मेरे ख्याल में, इसको थोड़ा सा कट कट करके बनाना चाहिए था, तो बाकी थोड़ा सा कट करते हैं।
हमारे साथ रहिएगा, मैं आप थोड़ी थोड़ी बीच में से वीडियो क्रॉप करूँगा। तो बस आप सिर्फ जो मेरी अपनी शॉर्टियाँ होंगी मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊंगा कि यार ज़्यादा लंबी वीडियो है लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो गाइज़ आपने बोर नहीं होना, वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। और अगर आपने खेलना हो वन वर्सेज वन खेलना हो तो ब्रो हम ज़रूर खेलेंगे, हम वन वर्सेज फोर नहीं खेलेंगे। फिर आपने मुझे बहुत मारना और फिर आपने कहना कि भाई आपने तो भाई स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई थी, आप हमसे जीते नहीं हो वन वर्सेज फोर, तो भाई उनसे कैसे जीत गए हो भाई। वो तो भाई किस्मत किस्मत की बात होती है, लेकिन अगर किसी ने करना हो वन वर्सेज फोर तो ट्राई कर लेंगे, हो सकता है भाई शायद हम जीत जाए वन वर्सेज फोर भी आप लोगों के साथ भी। तो भाई अच्छे बुरे वक्त का पता नहीं होता, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और पजामा कच्चे के लिए होता है। तो ये हमारा एक डायलॉग है जो पता नहीं एक हमने स्टार अनॉनमस का जो डायलॉग है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही कोई अपना बना लिया। उसका तो नाला होता है कच्चे के लिए, हमारा पजामा होता है कच्चे के लिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और पजामा कच्चे के लिए होता है। तो भाई साहब अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अभी 25 और 20 का मुकाबला हुआ यार, भाई बहुत अभी बहुत टाइम पड़ा यार, भाई बहुत टाइम पड़ा। तो भाई अभी हम इसके पीछे असल में बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं इसलिए नहीं लगाना चाहता कि यार फिर वो कुछ लोग जिनको म्यूज़िक पसंद नहीं है वो फिर वीडियो छोड़ देते हैं। तो हम भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर रहेंगे। तो थोड़ा बहुत म्यूज़िक मतलब कोई सॉन्ग वगैरह नहीं, सिर्फ सिंपल म्यूज़िक टूनू नूनू वाला लगा देंगे किसी टाइम, इस वीडियो के पूरी वीडियो के पीछे भी लगा देंगे। तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप वीडियो का मज़ा लें, गेमिंग को छोड़ें और मतलब आप उसको छोड़ दें, म्यूज़िक को छोड़ दें, आप कमेंट्री सुने, आप वीडियो का मज़ा लें। वन वर्सेस फोर है, अब सामने ग्रोज़ा भी आपको नज़र आ रही होगी कि ये भाई फुली ग्रोज़ा के साथ खेल रहे। लेकिन बाकी किस्मत मेरी अच्छी थी कि इनसे मैं जीत गया, मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि मैं इनसे जीतूँगा। कि बाकी आप देखें 30 और 23 भाई साहब बहुत दूर दूर से मुकाबला चल रहा है। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, मैं इधर ही हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ, आपको देख लूँगा साथ, टेंशन नहीं लेनी।
victory.